सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान बेरोजगारी समेत लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि जब प्रदर्शनकारी राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के आवास के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान सपाइयों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और वहीं जमीन पर बैठकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं को वो रोजगार देने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने जिस तरह सभी कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद किया, लेकिन हजारों की संख्या में कार्यकर्ता निकले और योगी सरकार के खिलाफ शिक्षा बेरोजगारी और सबके खिलाफ जो आज धरना प्रदर्शन हुआ उसको सफल बनाया और दिखा दिया कि योगी सरकार अब ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन था और उसमें मुख्य मांगे बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, किसानों के लिए अंधा कानून बनना भाजपा ने जो बनाया, इन सब मांगों को लेकर विरोध करने के लिए हमारा धरना प्रदर्शन तहसील स्तर पर था। उसके अंतर्गत प्रशासन ने रात से ही हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों को छावनी बनाने का काम किया, 149 का नोटिस देने का काम किया, डराने धमकाने का काम किया।